again. Redskins. आज करीब 60 दिन बाद मैं घर से निकल रहा हूँ वापस। कल मेरे कज़न का फ़ोन आया था कि उसको डॉक्टर को दिखाना है, उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आज चलते हैं बाहर, देखते हैं जयपुर में पब्लिक है क्या, है कैसा है माहौल। चलिए, मेरे कज़न भी आने वाला है, बस उसका वेट हो रहा है। ये आ गया मेरे भाई साहब, जा रहे हम अब कहाँ पर जा रहे हैं? अपन चल रहे हैं वैशाली नगर। वैशाली नगर, ठीक है। बोतल लो, बोतल रख रखी मैंने आपके लिए एक। ओहो बहुत गर्मी, थोड़ी देर गेट खोल लो एक बार। आफ्टर सो मैनी डिकेड्स वी आर आउट फ्रॉम आवर होम, we are going towards Shali Nagar and you can see the roads completely empty. थोड़ी बहुत गाड़ियां तो हैं। फिर अब क्या अपनी लाइफ ऐसे रहने वाली है क्या, मतलब अपने ऐसे मास्क में रहेंगे तुम लोग अब? क्या लगता है आपको? देखा जाए तो अभी मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक अपन को इस पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। इसका जब तक अपन को प्रॉपर मेडिसिन वगैरह नहीं प्रोवाइड करा रहे, मतलब मिल नहीं रही, इसका कोई इलाज नहीं आ रहा, जब तक तब तक के लिए अपन को अपने सारे बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करके रखने पड़ेंगे, बेसिक हाइजीन, मास्क पहनना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा कोई लग रहा है, मतलब लाइफ अजीब सी हो गई थोड़ी। तो अपने बेसिक प्रिकॉशन सारे जने फॉलो करते रहे तो जल्दी अपन मतलब इसका केस काउंट ख़त्म कर देंगे। डेली बढ़ ही रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब जब तक अपन बेसिक प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तब तक मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब जो मेन सिचुएशन है अब वो सामने आने वाली है। अब ये कहा जाएगा कि मतलब जैसे अब बड़ा फेज आएगा इसका देखने का, कि अब जैसे ही मतलब चीज़ें खुलने लगेंगी तब क्या होगा, तब कैसे कंट्रोल करेंगे, तब लोग बहुत बेसिक प्रिकॉशन रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको। क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल दैट वी कॉन्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू गेट आवर वर्क डन। वही मेन वो है। अपन तो चलो अपन ने तो पूरी सावधानी बरतनी है, बट अगर सामने वाले ने बरते तो अपन को दिक्कत है ना वो चीज़। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना का जो पेशेंट है वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अपन उससे मतलब एकदम दूर हो जाए, मतलब उसको मतलब अपन एक तरीके से मतलब उसको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है उसको, ताकि वो एकदम क्योर कर सके इससे। हालांकि क्योर कर सकते हैं इस चीज़ से, ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बाद आपको डेथ ही देखने को मिलेगी। अगर आप बेसिक प्रिकॉशन रखो, सारी चीज़ें प्रॉपर हाइजीन से फॉलो करो, तो आप इसको मतलब क्योर कर सकते हो उस चीज़ को। हाँ, बहुत ठीक है। देखिए दुकानें खुली भी हैं कुछ, बाकी आप दुकानों का नज़ारा देखिए। परचूनों की दुकानें, किराने की दुकानें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की वो सारी ओपन मिलेगी। पर अब गवर्नमेंट ने और भी चीज़ें ओपन कर दी है, लाइक बैंक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो अब पूरी तरीके से एक प्रॉपर लेवल पे ओपन अप हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गोपालपुरा की तरफ थोड़ा रश दिखता है, क्योंकि मेजरली यहाँ से लोग अपने ऑफिस रूट पकड़ते हैं। आप देखेंगे तो मतलब अगर आप पब्लिक से भी मतलब सर्वे करेंगे कि मतलब कौन है यहाँ पे, कौन मिलते हैं ज़्यादातर, तो मतलब आपको ऑफिस वाले पीपल, गवर्नमेंट जॉब्स मेजर वही मिलेंगे। कोई आपको ऐसा फालतू घूमता हुआ नहीं दिखेगा कि कोई ऐसे बस ट्रिप पे निकला है मज़े करने, देखने क्या चल रहा है भाई लाइफ में। सबको अपनी जान प्यारी है। अपन कितने दिनों बाद निकले हैं घर से? 4 दिन बाद ना, अराउंड 60 डेज है ना? ऑलमोस्ट अबाउ 60 डेज बाद आज हम घर से बाहर निकले हैं। घर पे रहने की भी बेनिफिट है। जो लाइफ आप सोचते थे, जिनका मतलब सोचते थे कि यार काश मेरे पास नेटफ्लिक्स होता, काश मेरा ऑफ होता, काश मेरे स्कूल की छुट्टियां होती, मैं आराम से घर बैठ के चिल करता, पूरा दिन घर पे सोता,
यार अभी आपको लाइफ मिल चुकी है, मतलब उसको एंजॉय करो आप पूरा। लोगों ने भी ज़्यादा एंजॉय कर लिया, पर अब एंजॉय करके लोग थोड़े बोर हो गए। अब यार इंसान तो फिर मतलब अगर खर्च करने पे आए तो मतलब कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाएगा उसके लिए, तो इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट्स, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का हब है, अब सब बंद है। शराब के ठेके जरूर खुले हैं। वो जरूरी है। हाँ, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसने इकोनॉमी संभाल ली अपनी गिरती हुई शराब के ठेकों ने। शराब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने इकोनॉमी के अंदर, ऐसा ही लग रहा है। एजुकेशन नहीं करती, नहीं इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता जितना शराब के ठेके प्रोवाइड करा देते हैं। यकीन नहीं आता तो मतलब आप 7:59 पे जाके देख सकते हैं। अब तो 6 बजे का है, तो अब तो 6 बज गए, पहले का टाइम ये था, तो अब आप 5:59 पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसा सीन होता है कि मतलब कल से दारू मिलेगी नहीं। अब रिद्धि सिद्धि की तरफ चल रहे हैं अपन। रिद्धि सिद्धि भी मेन मार्केट में काउंट होता है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे को सारी बंद ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे of this lockdown, you can see the cleanness on the roads. Now you can see how much clean they are. सड़कें क्या, आसमान भी साफ हो गया है। सड़कें, आसमान, आप लोगों की स्टोरीज में मुझे आसमान की फोटो ही दिखती है। तारे दिखने लगते हैं, तारे दिखते हैं, और सुबह सुबह आजकल बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिलती है जो कि लुप्त होती जा रही थी एकदम। और आप पेड़ों की फ्रेश एयर जो मतलब आप पहले फील नहीं कर पाते हैं, वो फील कर पाओ अगर आप सुबह मॉर्निंग में अपनी बालकनी में जाओ, एक डीप ब्रेथ दो, तो आप फील कर पाओगे कि मतलब कितनी फ्रेशनेस है एयर में, कितना पॉल्यूशन कम हो चुका है इसकी वजह से। बात करते हैं अगर अपन गंगा की, गंगा के लिए इतना करोड़ों का प्लान चल रहा था उसको साफ करने के लिए, पर जैसे ही कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हुआ वो अपने आप ही मतलब इतना पानी उसका साफ हो चुका है। सही। हेडिंग टुवर्ड्स नेपाल नगर। नगर में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। आ गए। आ
गए यहाँ पे। ओके जल्दी हो गया, जल्दी फ्री हो गया, बहुत जल्दी फ्री करा उन्होंने क्योंकि मैं अच्छे वाले का अकेला था। ओके चले चला जाए। कैसा रहा आपका अभी एक्सपीरियंस? ठीक था, पर सब कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो रखा है एक तरीके से। क्लिनिक पूरा बंद था, सैनिटाइज कर रखा था उन्होंने हर एक चीज़ को। अच्छा, गुड ना। और केवल एक रूम ओपन अप था जिसमें मतलब पेशेंट चेकअप हो रहे थे, पर कोई पेशेंट नहीं था वहाँ पे, मैं अकेला था। तो मतलब उन्होंने बताया केवल इमरजेंसी के केसेस देख रहे हो और कोई नहीं देख रहे। अपन अब वापस हेडिंग टूवर्ड्स मालवीय नगर, तो अपन रास्ते के नज़ारे देखते हैं कैसे चल रहे हैं। अभी मतलब मेहमान भी मतलब अच्छे लगेंगे मिलते हुए। सही यार, सबको अपनी जान प्यारी है। तो ये बात तो गलत साबित हो गई, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जान पे बात आती है तो कोई मतलब ना कोई अपना ना कोई पराया। पैसा भी ज़रूरी है, हर चीज़ मतलब अपनी लाइफ में मतलब एक रोल प्ले करती है ताकि लाइफ स्मूथली चलती रहे। पर अगर जान ही नहीं रही तो फिर मतलब क्या ही करेंगे उसका। पर थोड़ी देर ग्लव पहनने में मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है, पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है अजीब सा। डॉक्टर्स होते हैं जो इतनी देर पहन के रखते हैं, मतलब कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपने लिए डॉक्टर्स, जो मतलब दिन भर उनके मास्क पूरा बॉडी उनको तो मतलब पूरी बॉडी वो पहननी पड़ती है, कॉस्ट्यूम जो आती है उनकी। डॉक्टर्स अपने लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब इतना ऑपरेट कर रहे हैं, इतने इतने घंटे अपनी जान की परवाह ना करके। अपन को भी उनका ध्यान रखना चाहिए और अपन भी उनके लिए कर सकते हैं। बट कुछ लोग देख रहा हूँ मैं, वो अजीब भी बिहेव कर रहे हैं, जो अपने नर्सिंग स्टाफ जो है ना उनके साथ उनका बिहेव कुछ अलग ही है। मतलब वो अलग घर में आते तो ऐसे उनको ऐसे देखते हैं, मतलब एक कोरोना का पेशेंट आ गया क्या कोई, उनको आने नहीं देते ऐसा कुछ। मैंने मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला है, देखा है, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं ऐसे जो लोगों का बिहेवियर बहुत ही अजीब था अपने उनके नर्सिंग स्टाफ के प्रति। देखो बात फिर उसी जगह पर आ जाती है कि मतलब जान सबको प्यारी है, ना कोई अपना ना कोई पराया। अब वो इंसान आपके लिए मतलब वो आपके लिए लगा है ना यार, पर वो इंसान जब तक इंसान की थिंकिंग क्लियर नहीं होगी, मतलब वो सोचेगा नहीं कि मतलब उसने उसके लिए क्या क्या करा है, तब तक तो क्या ही कर सकते हैं। अभी कल को अगर वो भगवान ना करे उसको खुद को पॉजिटिव को आ गया, पॉजिटिव आ गया कोरोना से, और फिर डॉक्टर मना करते भाई नहीं हम तो हाथ नहीं लगाएंगे तेरे, फिर क्या करेगा? तब तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना उसके पास, तब मतलब उसको रियलाइजेशन होगा पूरा, तब वो रियलाइज करेगा हर चीज़ को कि क्या कर दिया उसने। मेरी एक नॉन है, वो है नर्स है, वो उसकी कई बार फोटो देखता हूँ, पूरी कवर है पूरा हर चीज़ देखता हूँ, पूरे नाम निशान हो जाते हैं, पूरे मास्क से पूरे पसीने में लगता लगी रहती है, मेहनत करती है वो। यही है कि मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो इतनी मतलब सर्विस करा रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए दिन में भी अभी तक सर्विस दे रहे हैं, मतलब वो भी एक तरीके से मतलब हट सकते हैं अपनी ड्यूटीज पीछे, कि मतलब जान उनकी भी है वो भी हट सकते हैं, पर वो नहीं हट रहे, मतलब वो काम करने में लगे हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ भी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, वो किसी कारण आ रहा है? अपन लोगों के कारण आ रहा है, क्योंकि अपन ने प्रिकॉशन अच्छी तरह फॉलो नहीं करे। आपकी एक गलती आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकती है। बहुत ही पुरानी मार्ग
सी दिख रही है, बड़ी बात है कि अभी तक चल रही है, लग भी नहीं रही है। जल्दी सड़कें दिख रही है अभी।